Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Seema Haider, ek aisa naam jisne har Bharatiya ke beech kotahal paida kar diya hai. Har koi janna chahta hai ki aakhir Seema Haider kya hai? Kya wahi jo usne Bharat aakar bataya hai? Ya fir vah जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, जासूस और न जाने क्या क्या। लाइमलाइट में एकाएक आया सचिन भी सुबह ही नहा धोकर सीमा के साथ टीवी पत्रकारों के साथ बैठ जाता है। सीमा अपने साथ 4 बच्चे लाई है और वह खुश है कि उसका परिवार ऐसे ही बस गया। सीमा पबजी की तर्ज पर सचिन को खिला रही है और वह ऐसे खेल रहा है जैसे उसने पबजी में पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया है। खुफिया विभाग अब अलर्ट हुआ है, विभिन्न स्तरों से जांच शुरू की गई है। हाँ, इतना जरूर है कि हिंदुस्तान में घुसपैठ कितनी आसान है, यह एक बार फिर से साबित हो गया है। किस तरह सीमा व सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में मिर्च झोंक कर हिंदुस्तान में घुसपैठ की जा सकती है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है सीमा हैदर। अमूमन नियमों से बंधे नागरिकों के पास एक ही पासपोर्ट होता है, लेकिन सीमा के पास दो हैं, एक सीमा हैदर के नाम से और दूसरा सीमा। हर कोई उसे आशीर्वाद दे रहा है कि घबराना मत, खुश रहो, और वह भी भारतीयता के रंग से सराबोर स्वयं को दिखा रही है। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। अब ऐसे में गौरक्षा हिंदू दल खुलकर सामने आया है। स्वयं को दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने वाले वेद नागर का इन दिनों वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि सीमा हैदर को 72 घंटे में देश की सरहद से बाहर न किया गया तो आंदोलन खड़ा कर दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट बाइट टीवी की नजर से। जय श्री राम, मैं वेद नागर, राष्ट्रीय अध्यक्ष गोरक्षा हिंदू दल। जैसा कि आपको पता है कि नोएडा के अंदर पाकिस्तान से आई हुई एक महिला मीडिया में बहुत मजबूती से छाई हुई है, जो अपने आप को सीमा हैदर बताती है और हमारे देश के नागरिक सचिन से ये बताती है कि मैंने उससे शादी कर ली है। वो 4 बच्चों को लेकर भारत के अंदर आई है। साथियों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ कि 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, इस तरीके से मीडिया में बयान देना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीमा हैदर 100% मुझे ऐसा लगता है कि जासूस लोगों से मिली हुई है, क्योंकि इसका भाई आर्मी में बताया जाता है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूं कि 72 घंटे के अंदर सीमा हैदर और चारों बच्चों को देश से बाहर निकाला जाए। अगर इनको 72 घंटे के अंदर नहीं निकाला जाता तो हम इस पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क की ये महिला हमारे देश की एकता और अखंडता को किसी भी रूप में कितनी भी बड़ी चुनौती दे सकती है, जिसको हम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं अपने गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल जिस तरीके से भगोड़ी औरत जिस तरीके से इस देश में अंदर नेपाल के माध्यम से देश के अंदर घुसी है, ये कोई साधारण महिला नहीं है। हमें अपनी देश की एकता और अखंडता से किसी तरीके का समझौता नहीं करना है और इसको तत्काल निकाला जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।